कोडरमा में कोरोना की रफ्तार काफी तेजी गति से आगे बढ़ रही है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने से टेंशन बढ़ रहा है। जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लाजमी है डेडिकेटेड कोविड सेंटर और कोविड केयर सेंटर की 400 बेड कम पड़ जाएगी। बेड की संख्या बढ़ाने को लेकर सरकार ने निजी अस्पताल के 50% बेड उपयोग करने का निर्देश जारी किया है। नगर परिषद झुमरी तिलैया के 4 निजी हॉस्पिटल में कोविड मरीजों का इलाज कराया जाएगा। इसको लेकर BDO और CHC प्रभारी ने हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। झुमरी तिलैया के आर्यन हॉस्पिटल, होप हॉस्पिटल, शुभ लाभ क्लिनिक और तिलैया क्लिनिक को चिन्हित किया गया है। अस्पताल प्रबंधक को प्रशासन ने जरूरत पड़ने पर 50% बेड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। CHC प्रभारी डॉक्टर रंजीत कुमार ने बताया कि चिन्हित 4 निजी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया। 50% बेड, लगभग 41 बेड खाली रखने को कहा गया है। निरीक्षण का रिपोर्ट DC को सौंपने की बात कही, जिसके बाद प्रशासन के निर्देश पर निजी हॉस्पिटल में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज होना शुरू हो जाएगा। कोडरमा से रितेश लोहानी की रिपोर्ट। बेड के पास ऑफिस सर के आदेशानुसार से प्रखंड विकास पदाधिकारी मैडम और मैं दोनों मिलकर जो है अभी मैं 4 हॉस्पिटल का निरीक्षण किया हूँ, जिसमें कि 50% बेडेड लिया जाएगा। पहला शुभ लाभ क्लिनिक, दूसरा तिलैया क्लिनिक, तीसरा होप हॉस्पिटल, चौथा आर्यन हॉस्पिटल। सभी का निरीक्षण किया हूँ, सभी को इंचार्ज के बोल दिया हूँ कि आप लोग जो है 50% बेड सुरक्षित करके रखेंगे, कभी भी हमको जरूरत पड़ेगा तो हम 50% बेड ले। अभी मैं रिपोर्ट DC सर को दूंगा, उसके बाद उधर से DC सर जब आदेश करें।